क्योंकि आज यूपी के अंदर आपने खुद सुविधाएं देखी होगी, योगी जी की बदौलत, मोदी जी की बदौलत कितना कुछ अच्छा हो चुका है वहाँ पे। हर इंडस्ट्री वाला ये चाहता है कि हम योगी सरकार के यूपी में जाकर अपनी इंडस्ट्री लगाएं। हर छोटे से छोटा बच्चा, हर लेडीज, हर लड़की जो भी जॉब करती है वो चाहती है कि हम यूपी में जाके जॉब करें, क्योंकि यूपी पुराना 2000 जो पहले अखिलेश सरकार में यूपी हुआ करता था उसमें और आज के यूपी में जमीन आसमान का अंतर है। तो यूपी की जनता बहुत समझदार हो गई है और यूपी की जनता पहले भी समझदार होती थी, लेकिन सरकारों ने जो आज से पहले की सपा सरकार हुआ करती थी, यूपी के नौजवान की, यूपी की लेडीज की, यूपी की जनता की जबान दबा के रखी हुई थी। तो आज की डेट में योगी सरकार ने उनको पूरी तरह सुरक्षा दी हुई है और बोलने के लिए पूरी आजादी दी हुई है कि कहीं भी कोई गलत काम होता है योगी सरकार को कंप्लेंट करो, मोदी सरकार को कंप्लेंट करो, आपको उस चीज में सुविधा जरूर मिलेगी। जनता खुद चाहती है कि भैया जो सीट पे अच्छा काम कर रहा है, जो देश के विकास के लिए काम कर रहा है, जो देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है, वही प्रधानमंत्री बन के आए। तो जो देश की जनता, उसकी सच्चाई और उसकी दिल की आवाज तो यही है कि अब की बार मोदी 400 पार, लेकिन जो विपक्ष होगा वो अपने नेताओं को भैया बड़ा बताएगा ही, क्योंकि वो किसी धागे से बंधे हुए हैं, उन्हें अच्छा और गलत ना देखकर अपने पार्टी के नेता को देखना है। हमें तो संत मंजूर है, संत मंजूर है, सत्ता परिवर्तन जरूरी नहीं है अभी देश में, फिलहाल कोई जरूरत नहीं है सत्ता परिवर्तन की, बहुत अच्छा चल रहा है और आगे इन 10 सालों में मोदी जी ने अपनी गारंटी ले ली है, जो शुरू में पहले गारंटी ली थी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ूंगा, काले धन के खिलाफ लड़ूंगा, देश की सुरक्षा की सोचूंगा, देश को विकसित करने की सोचूंगा, वो इन 10 सालों में हुआ।